अपराजिता सारंगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, पराजित हो गई आप, ये बड़ा झटका है कर्नाटक में। आप सबको मेरा नमस्कार। जनादेश का सम्मान करते हैं। कर्नाटक के लोगों ने चाहा कि कांग्रेस की सरकार 5 वर्षों तक हो तो यही सही, लेकिन मैं कह दूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, किसी भी निर्वाचन में हम दो तरह की परिस्थितियों को देखते हैं। पहली बात, हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। तो मैं कहूंगी नहीं कि यह हार है, मैं कहूंगी यह सीख है। हमें बहुत कुछ सीखना है, हमने बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में त्रुटि रही होगी, और मैं कह दूं कि वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है, भिन्न पार्टी है अन्य राजनीतिक दलों से। हमारा कार्य शुरू हो गया है, हम चेस बोर्ड पर बैठ चुके हैं, और आगामी दिनों में समीक्षा करके जहां जहां त्रुटियां हैं उसे दूर किया जाएगा, और हम निश्चित तौर पर अपने को सुधारने की कोशिश करेंगे। गलतियां तो हुई हैं, और कहां हुई, चूक कहां हुई? आप कह रहे हैं शतरंज की बाजी की तैयारी फिर से शुरू करेंगे, चूक कहां हुई, चेकमेट कैसे हो गए आप कर्नाटक में? देखिए, अभी इस तरह के की बातचीत करना मेरी तरफ से सही नहीं होगा, लेकिन मैं कह दूं कि हमारे वरिष्ठ नेतागण निश्चित तौर पर वाकिफ हैं कि कहीं ना कहीं रणनीति में त्रुटि रही। कहना गलत होगा कि हमने अपना 100% नहीं दिया। सारे कर्मियों ने अपना 100% दिया, और हमारी ऐसी पार्टी है जो 24/7 रणनीति करती है और रणनीति के एग्जीक्यूशन में विश्वास रखती है। लेकिन अपनी उपलब्धि बचाने बताने के बजाय एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर वो तो उभर कर आ रहा है, लोगों की इतनी नाराजगी ना होती अगर मौजूदा सरकार से तो इस तरह का जनमत नहीं दिया जाता। तो जो ये एंटी इनकम्बेंसी की बात है, दरअसल आप अपनी ही सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के बजाय कांग्रेस की अतीत की नाकामियां गिनवाने में ज्यादा जोर लगा दिया क्या? आप का दृष्टिकोण कुछ दूसरा भी होना चाहिए। देखिए, जेडीएस ने 2018 में 18.36% वोट शेयर रखा था, और इस बार 13.22% वोट शेयर हो गया। तो कहीं ना कहीं यह जेडीएस का वोट कांग्रेस के पास गया है। कांग्रेस पिछले निर्वाचन में 38.61% पर थी, और इस बार 43% पर है। तो ये पूरा शिफ्ट जेडीएस का कांग्रेस की तरफ हुआ। आपके पास क्यों नहीं गया? अबे दुबे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं मुझे। मैं मानती हूं नहीं आया। मैंने कहा रणनीति में त्रुटि हुई है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि हमने 100% तो नहीं दिया। तो हमारे नेतागण अपराजिता, फिर तो मैं पिछले साल के उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में ये कहने लगूं कि 21% वोट बैंक बीएसपी का था जो घटकर 12% हो गया, 9% वो वोट बैंक छिटका, वो बीजेपी में चला गया। तो दरअसल ये सिर्फ वोट बैंक उधर से चला गया, वरना कहां जीतने वाली थी बीजेपी? आपका एनालिसिस कुछ इस तरह से जा रहा है अगर मैं ये सवाल पूछूं तो। कभी ऐसा ना सोचे कि हम किसी भी दृष्टि से कांग्रेस की विक्ट्री को बिलिटल कर रहे हैं। शानदार विजय हुई है, बधाई देती हूं, और हमें बहुत सीखें मिली हैं, और मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण अवगत हैं। समीक्षा होगी और उसके बाद हम कार्य शुरू करेंगे। और देखिए, जहां तक 2024 का सवाल है, निश्चित तौर पर हम ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जिन राज्यों में इस वर्ष में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां देखिएगा हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि हम अपनी अपनी गलतियों से सीखने वाले दल हैं। अपराजिता, जो सुकेश कह रहे थे कि आपके लिए बड़ा झटका इस लिहाज से भी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि बीजेपी मुक्त हो गया है दक्षिण भारत, 130 सीटें हैं साउथ ऑफ विंध्याज, तो ये इस लिहाज से भी कि वहां आपकी मौजूदगी, आपके पैर जो आप पसारने की भरपूर कोशिश करते दिख रहे हैं, और सूत्रों से जो खबर है कि भाई 130 में आपने बहुत एम्बिशियस 80-85 सीटों का टारगेट भी रखा हुआ है, तो ये राह में थोड़े रोड़े और बढ़ गए। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स बड़े स्वीपिंग होते हैं कि हम दक्षिण भारत में अब नहीं जाएंगे। ये भूल रहे हैं कि कुछ समय पहले नॉर्थ ईस्ट में हमने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, पिछले वर्ष हमने 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है,
और इस बार भी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में निश्चित तौर पर हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा, हमें विश्वास है, और दक्षिण भारत में भी हम जाएंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि हमें कुछ सीखें मिली हैं और हम निश्चित तौर पर उन जो भी हमारे लेसन मिले हैं उस पर काम करेंगे। लेकिन एक प्रश्न जरूर रखना चाहूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता के समक्ष, आप भी हैं, मैं भी हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी और अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी हैं। 6% मुस्लिम रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, 4% 4% से बढ़ाकर हम 6% कर देंगे। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, इस तरह का उन्होंने निर्वाचन के समय कहा था। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, 2,000 रुपए प्रति मास महिलाओं को देंगे और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता देंगे। देखिए ऐसा है कि जो 5 प्रोमिसेस इन्होंने किए हैं, हमने अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा, ये जो अगर 5 प्रोमिसेस अगर कर्नाटक की जनता की लोक संख्या को देखकर अगर हम करें तो कर्नाटक का वर्तमान का पूरा बजट ही 5 प्रोमिसेस के कार्यान्वयन में चला जाएगा। तो कांग्रेस को समझना चाहिए बोलते वक्त, और अब क्या करेंगे, निश्चित तौर पर हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के तौर पर उनसे प्रश्न करते रहेंगे। नहीं, ये तो ये सवाल आपकी तरफ भी जाता है, ये सवाल दरअसल रेवड़ियों की परिभाषा पे अटक जाता है अपराजिता, कि जन कल्याण क्या है और रेवड़ी क्या है। आप कहते हैं जो विपक्ष दे रहा है वो रेवड़ी है, आप जन कल्याण कर रहे हैं। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को आप मुफ्त में अभी भी अनाज दे रहे हैं, क्या देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग अनाज ना मिले तो भूखे पेट सोएंगे। और कर्जे की जहाँ तक बात है, 2014 में सरकार पर जो कर्ज था भारत सरकार पर वो 55 लाख करोड़ था, अब वो बढ़कर 147 लाख करोड़ हो चुका है। देखिए कर्नाटक के संदर्भ में कह रही हूं, अच्छी मैं अखिल अच्छा भारतीय स्तर पर अब पूछ रहा हूं, जितना कर्ज 70 साल में या 67 साल में नहीं हुआ उतना 9 सालों में उससे भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन देखिए जिस तरह के काम भारत सरकार की तरफ से गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित युवा वर्ग, महिलाओं सबके लिए किए जा रहे हैं, अवसंरचना का विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखें तो वही तो, जब अगर विपक्ष तो करता है आप कहते हैं कि कर्जा बढ़ जाएगा, आपने भी तो कर्जा बढ़वाया। मैं बता रही हूँ कहाँ, जहां तक बजट का सवाल है, हमारे बजट का सवाल है, ऐसा नहीं है हमने जो आश्वासन दिए इज इक्वल टू द बजट अमाउंट, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ सुनिए, अच्छी राजनीति अच्छा अर्थशास्त्र होता है। इन्होंने अच्छी राजनीति नहीं की है, निर्वाचन जीतने के लिए 5 प्रोमिसेस किए हैं और इन 5 प्रोमिसेस में जितने पैसे खर्चे होंगे वो और आज का कर्नाटक का बजट बिल्कुल समान है। अब बताएं ये कह रहे हैं पहले दिन कैबिनेट में लागू कर देंगे इन 5 गारंटीज को, पैसा कहां से आएगा ये देखना हमें भी है, ये भी देखेंगे हम।